तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ जान बेचारे चलते चलते इतने थक गए थे, पूछने लगे भैया ये कौन सो नगर है भैया, हम तो चलते चलते थक गए हैं। और कहते हैं द्वारकाधीश अब मुंह पे आगे ना चलो जाए रहो है, तेरी गर्ज परे तो मुंह से बुलाए लिए। सो भैया योग माया ने उन्हें पल में द्वारका में लिटाया। आंखें खुली जैसे ही पंडित जी की, तो लोगों से पूछने लगे भैया ये कौन सी नगरी है। ये महाराज द्वारका से है, मतलब क्या कहना चाहते हो। ये वही है द्वारका से जिसमें कन्हैया रहते थे। अरे तुम लोग उत्तर प्रदेश में जिसे है बोलते हो, गुजरात की तरफ उसे सह बोलते हैं, तो ये वही द्वारका से जिसमें रहते कन्हैया से। मेरे भगवत प्रेमियों, सो भैया लोगों से पूछने लगे यहाँ द्वारका में द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी कहाँ मिलेंगे। लोगों ने बता दिया वो जो सुधर्मा सभा लगी है उसी में जो सबसे कारो कारो नजर आवे सोई समझ लियो वे ही है श्याम। दूर से पंडित जी ने निगाह मिलाई कि देखो सो एक कारो कारो कोई बैठो नजर आओ। पंडित जी का लेकिन रुक्मणी का पागल हो गई का बात है, समझ में ना आए रहो है जो ये तो। रुक्मणी कितनी गौर वर्ण की है ये तो कारो कारो है ने? जे नहीं समझ में आए रहो को। लेकिन तब तक क्या हुआ, पंडित जी की तरफ देख करके मेरे प्रभु मुस्कुराने लगे और जैसे ही मुस्कुराए पंडित जी चकित रह गए, कहने लगे वाह अरे भाई है तो रंग को कारो लेकिन मुस्कुराहट बड़ी जादू भरी है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, बढ़ते हुए चले गए। कहने लगे द्वारकाधीश की जय हो, हम ब्राह्मण देवता आए हैं कुंडनपुर से, कुछ संदेश लाए हैं। और धीरे से भगवान की मुट्ठी में वो पत्र जो था पकड़ा दिया श्याम ये रोको छुपा लो छुपाए। और जैसे ही भगवान सभा के बीच में पढ़ने लगे पंडित जी ने एकदम झपट्टा मारा, जिंदगी है छुपा लो छुपाए जा। जैसे ही भगवान पढ़ने लगे सबके बीच में पंडित जी ने एकदम रोक दो ठहरो ठहरो, ये सबके बीच में पढ़ने वालों ना है पागल हुई का, चुप्पा पढ़ो चुप्पा, एकांत में पढ़ना और कानो कान भनक नहीं लगना चाहिए। सोई भगवान ने जैसे छिप करके उसे जैसे ही देखा, अच्छा कुंडनपुर से आए है ना। हाँ जी जी। तो रुक्मणी बहुत ज्यादा रुदन कर रही है। अरे रुदन कछु मुझ बूझ जाओ, अगर हम आए उते तो वाली फांसी लगाई लेती तुम्हारे चक्कर। भगवान कन्हैया ने कहा देखो दाऊ भैया हमारे हैं वो हमें जाने नहीं देंगे, हमारे नाना हमें जाने नहीं देंगे, इसलिए तुम थोड़ा नाटक करो, तुम खांस लेते हो खूब अच्छी तरीका से, तो देखो तुम बीमार जैसी हालत बनाओ और मेरे नाना हमसे कहेंगे इन्हें छोड़ आओ, हम तुम्हें छोड़ने चलेंगे, बस काम हो जाएगा निकल चलेंगे। सब पंडित जी ने कहा ठीक है। हाँ
अरे कन्हैया, क्या ये पंडित जी महाराज की तबीयत मुझे कुछ ज्यादा खराब लगती है, इनसे पूछो क्या इच्छा है, क्या इच्छा है महाराज तुम्हारी? इच्छा जा है हमारे संग चलाओ। कहाँ? कुंदनपुर। अच्छा तुम कुंदनपुर रहते हो? यस यस। अरे कहाँ ना जाओ, इन्हें छोड़ के आओ। कन्हैया तो जैसे ही महाराज श्याम सुंदर चले हैं साथ में, तब तक बलराम भैया आगे कहाँ जा रहे हो कान्हा? कन्हैया ने कहा वहीं जा रहे हैं। कहाँ? बोले वहीं। पंडित जी बोले कुंदनपुर जा रहे हैं। अच्छा। और उसी समय भाइयों चल देते हैं। बलराम ने कहा अच्छा अब तो कान्हा बड़ो हुई हो, कुंदनपुर की राजकुमारी को स्वयंवर है उसमें जा रहा है, चल मैं भी चलता हूँ तेरी सहायता के लिए। उधर पंडित जी और सब लोग महाराज आगे को चलते हुए जा रहे हैं। श्याम चलते 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 विमान गोली का चला उसी समय भगवान कन्हैया रथ के साथ आए थे, परंतु पंडित जी ने कन्हैया को दूर ही नगर से रोक दिया। इधर रुक्मिणी बिचारी बैठी इंतजार में बड़ी उदास है, पता नहीं पंडित जी पहुंचे होंगे कि ना पहुंचे होंगे, पहुंचे होंगे कि ना। राधे 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 लली ओ बिटिया। हाँ हाँ महाराज आ गए हो? कहाँ ना हो घर आए। हाँ आए गए लली आए गए। जी बताओ बे आए कि ना। अरे तुमने तो खून पियो हमारो। उसी समय बताओ ना पंडित जी, अब ज्यादा समय नहीं है। पंडित जी ने कहा वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, ऐसा करो तुम लली बे आए, तुम एक काम है हम तुम्हें बताऊ था। कन्हैया जी आए हैं और वे आए काहे का पता? दुई घोड़ा एक रथ और ढाई देगरा में पड़ी सौदा, इतने लोग आए वहां में। आओ लोपावाड़ी देवी जो मंदिर है और तुम हुआ जी कोने में खड़े मिली तुम्हें रुक्मिणी को, अम्मा से झूठे वायदा करियो तुम। एक दो तीन ठीक